हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल्स। आज मैं आपके लिए कही हूँ कि करवा चौथ पर आप हेयर स्टाइल कैसे करें। बहुत ही सुंदर, यूनिक और स्टनिंग सा हेयर स्टाइल लेके आई हूँ। सो फ्रेंड्स, देखिए किस तरह से आप करेंगे और DIY खुद से कैसे करेंगे और बहुत ही यूनिक से। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने क्या करना है, हमने साइड से एक सेक्शन लिया है। मैंने क्या किया है, साइड से एक सेक्शन ले लिया है और इस सेक्शन को मैं सेपरेट कर दूंगी। जस्ट एक ईयर टू ईयर का सेक्शन है और इस सेक्शन को मैंने क्या कर देना है, सेपरेट ये वाला सेक्शन, और अपनी कटिंग क्लिप की हेल्प से इसे सेपरेट कर दिया। और रेस्ट ऑफ हेयर्स को कॉम करने के बाद आप इसे बैक ले जाएं। इस साइड से भी सारे हेयर्स को आपने बैक ले जाना है। सभी हेयर्स को आपने बैक लेना है, अच्छे से नीट एंड क्लीन कॉम करें। और कॉम करने के बाद आपने यहाँ पर एक रबर बैंड का यूज़ करके इसको टाई करना है। अब टाई आप कैसे करेंगे, बहुत ही इजी वे में मैं आपको बता रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, आपने एक रबर बैंड लेना है, अपना एक रबर बैंड लें जो भी आपके पास है। देखिए यहाँ पे मैंने ये रबर बैंड लिया और इसकी हेल्प से मैं अपने हेयर्स को टाई कर लेती हूँ, एक पोनी टेल क्रिएट कर लेती हूँ। और किस तरह से कर रही हूँ आप पोनी टेल, ये देखिए यहाँ पे इस रबर बैंड को फोल्ड करते हुए यहाँ से एक बार इसे टर्न देना है जस्ट, और यहीं पे इसे छोड़ दें लाइक दिस। ये वाली फॉर्मेशन आपके पास आएगी, ओके? इसी फॉर्मेशन को हम फॉलो करेंगे। ये वाली फॉर्मेशन आई, अब हमने डोनट लिया, डोनट को इसके अंदर डाल दें इस तरह से। डालने के बाद आपने अपने यू पिन का यूज़ करके इसे अटैच कर देंगे, यू पिन का यूज़ करके इसे अटैच कर दें। ये देखिए यहाँ पे हमने इसे अटैच किया। अब ये रेस्ट ऑफ हेयर्स है, इनको फ्रंट में लाएं और इसे प्रॉपरली कॉम कर लें। कॉम करने के बाद आपने इसे ऊपर लेके आना है, ऊपर लाएं एंड डाउन से अपवर्ड डायरेक्शन में कॉम करें, डाउन टू अपवर्ड डायरेक्शन। ऊपर आएंगे, जैसे ही आप सेंटर से ऊपर आएंगे, ठीक है, सेंटर से आपने पोनीटेल ली, सेंटर से ऊपर आएंगे, ऊपर आकर यहाँ पर ये वाली फॉर्मेशन आएगी आपके बैक में। जहाँ पे आपका ये जो स्टेप है, जहाँ पे ख़त्म हो रहा है, यहाँ पे आपने एक रबर बैंड लेना है और उससे इसे उसमें ये जो सारे हेयर्स हैं इन हेयर्स में इस रबर बैंड को डालना है। यहाँ पे रबर बैंड डाला हमने एंड इसको हमने अब हमने कवर करना है। कवर करने के लिए सबसे पहले इसको टू सेक्शंस में डिवाइड कर लें और डिवाइड करके अपनी यू पिन लें, यू पिन की हेल्प से इसे टाई कर दें ऊपर। अपने डोनट के साथ टाई अप करें। जब आपकी टाई हो जाएगी, आपके जो साइड के सेक्शंस हैं इन्हें अच्छे से कॉम कर लें। तो फ्रेंड्स, हमारे पास यहाँ पे ये तो दो सेक्शंस हैं, इनके साथ हम वर्क करेंगे। सबसे पहले हम फ्रंट पे जाते हैं। फ्रंट पे मैं इन्हें कॉम कर लेती हूँ और कॉम करने के बाद मैं जस्ट रफ, देखिए जब मैं इसे कॉम कर रही हूँ ना, आप देखिए अपना हेयर देखिए, जब मैं कॉम करती हूँ तो ये सेक्शन किस तरह से रहता है लाइक दिस। और मैंने इसी फॉर्मेशन को मेंटेन करना है जिसमें ये हैं, इसी को मैं मेंटेन करूँगी।
इसी फॉर्मेशन को मैं मेंटेन करूँगी और यहाँ पे यू पिन का यूज़ करूँगी। यू पिन से अटैच कर सकते हैं, चाहे वो पिन से अटैच कर सकते हैं। यू पिन आपको जूड़े में अटैच करेगा सीधा इस तरह से, आप चाहें तो बॉब पिन से अटैच कर सकते हैं। अब आपके जो साइड वाले हेयर्स थे इन हेयर्स में मिक्स हो गए हैं, इसको आपने ऐड करना है इस तरह से, और ऐड करके आप इसको नीचे से लेके आएं, नीचे से ले आएं। जब आप नीचे से लाएंगे इन हेयर्स को ऊपर से फोल्ड कर देंगे और इनको भी यू पिन की हेल्प से अटैच कर देंगे, और सेम इन हेयर्स को भी यहाँ पर अटैच कर दें प्रॉपरली। और ये जो आपके साइड वाले हेयर्स थे इनको भी आपने जस्ट ऐसे ही फोल्ड करना है और नीचे से साइड में लाकर अटैच कर देने हैं। तो यहाँ पर आपके प्रॉपर फॉर्मेशन आ जाएंगे, जितने भी आपके जितने भी छोटे फ्रिजी हेयर्स हैं उन्हें टाई कर दें। अब आप देखिए हमारे पास ये फॉर्मेशन आई है हमारे बन की। अब हमने क्या करना है, हमने जस्ट अपना कोई भी टूल लेना है जो आप अप्लाई करना चाहते हैं, आप उन्हें लेंगे और उसे साइड में इस तरह से। सो फ्रेंड्स, इस तरह से आप जो है करवा चौथ पर अपना हेयर स्टाइल जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, और बहुत ही ईजिली और बहुत ही स्टनिंग वे में। तो यह है हमारा आज का हेयर स्टाइल, आप देख सकते हैं कितना यूनिक पैटर्न है। सो फ्रेंड्स, आई होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल में सब्सक्राइब कर सकते हैं। Thank you, friends. Goodbye.